थोड़ा ये बता दीजिए कि राम मंदिर तो बन गया, अब लोगों का मुद्दा काशी की तरफ चल रहा है, ज्ञान वापी आप कथा सांस्कृतिक मैं तो मानता हूँ कि वो हिंदू का मंदिर है। राहुल जी अगर माफी मांग लेते तो इतना बवाल ही नहीं होता। छत्तीसगढ़ में बहनों माताओं के साथ गैंग रेप हो, बिहार की स्थिति देख लीजिए। मंदिर का बहुत बेखूबी से इंतजार किया जा रहा था, हिंदू समुदाय के लोगों का धर्म का आस्था था राम मंदिर बनना, और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। आज 3 साल हो गया उसको, 36 महीना हो गया सर, अगले साल उसका मंदिर पूरा बनने के बाद शुरू हो जाएगा जनवरी में। देखिए, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, और जब भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने उसकी उचित माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी की तो हिंदू समाज के पक्ष में उसका निर्णय आया। और जिसके प्रति इतनी श्रद्धा आस्था हो उसकी भव्यता उसकी आस्था के अनुरूप है। राम मंदिर बहुत भव्य रूप में बन रहा है, और मुझे खुशी है आपसे ये बात कहते हुए कि आने वाले दिसंबर जनवरी में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और दर्शनों के लिए जो बहुप्रतीक्षित लोग चाहते थे रामलला के दर्शन गर्भगृह में जाकर करने की, वो शुरू हो जाएगी। सर, जो लोगों का सवाल था कि मंदिर की जगह स्कूल हॉस्पिटल अन्य चीज़ें बनवाने के लिए, लेकिन मंदिर बनने से साथ साथ में आप इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि वहाँ टूरिज्म का भी काफ़ी बढ़ावा हो रहा है, तो व्यापार के लिए किस वर्ग से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था के अनुरूप बन रहा है, तो वहाँ पूरे न केवल हिंदुस्तान, पूरे विश्व से भगवान राम के अनुयायी वहाँ आएंगे। वहाँ बहुत बड़ा टूरिज्म का स्कोप और बढ़ रहा है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन की भव्यता बढ़ाई जा रही है, और अयोध्या में बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, बहुत सारे चौराहे डेवलप हो रहे हैं, और इसको हम लोग चाहते हैं अयोध्या को वेटिकन सिटी से बेहतर स्वरूप में अयोध्या हो। और जहाँ तक स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, जो वो सब चीज़ें लोगों के सुझाव थे, वो सब तो वहाँ बन ही रहे हैं। प्रश्न केवल ये था कि गर्भगृह के स्थान पर क्या बने जी। वो भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और जो बाकी लोगों के सुझाव थे वो भी सब काम हो रहा है। चलते चलते थोड़ा ये बता दीजिए कि राम मंदिर तो बन गया, अब लोगों का मुद्दा काशी की तरफ चल रहा है, ज्ञान वापी आप लगातार उसको देख रहे होंगे, आप अपडेट रहते हैं, हम लोग चीज़ को देखते रहते हैं। देखिए क्या है, ज्ञान वापी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कल आदेश दे दिया कि ASI का सर्वे पूर्ण कराया जाए, बगैर किसी स्ट्रक्चर को मतलब क्षति पहुँचाए हुए, है ना। अब जब ASI का सर्वे होगा उसमें हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर वो स्थान, मैं तो मानता हूँ कि वो हिंदुओं का मंदिर है, उसके साक्ष्य मिलते हैं, तो मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करूँगा कि सहर्ष इसको हिंदू समाज को सौंपे, इससे हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसमें और बल मिलेगा, और दोनों समाज बहुत बेहतर तरीके से रह पाएंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं, जो आदेश था जिसमें उन्होंने काफी कुछ देखा। देखिए, मैं आपको बताऊं, अधिकांश मुस्लिम समाज ऐसा है जो हिंदू भाइयों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहता है, उनके लिए ये विषय नहीं। कुछ कट्टरपंथी लोग जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा विषय हो सकता है। अधिकांश मुस्लिम समाज जो है वो अच्छा है, और वो यहाँ पे सद्भाव स्वभाव के तरह से रहना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है अभी वर्तमान वाला, दिल्ली आप देख रहे हैं बगल में ही है, केजरीवाल सर नया मुद्दा खड़ा कर दिए हैं दिल्ली सर्विस बिल को लेकर, लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में इसको जो है अड़ंगा लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, विपक्ष से पूरा मिल गए हैं, क्या कहेंगे उसके आप राज्यसभा सांसद? नहीं, देखिए कल ये लिस्टेड है दिल्ली सर्विस अध्यादेश जो है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरी तरह से राज्यसभा में भी पारित होगा।
गणित हम लोग के पक्ष में हैं, और बहुत सारे ऐसे साथी जो ये समझते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र शासित सरकार को ही अधिकार ज़्यादा होने चाहिए, तो वो भी इसका सब समर्थन करेंगे और ये बिल राज्यसभा में भी आसानी से चर्चा के बाद कल पास हो जाएगा। सर, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो शीला दीक्षित को टारगेट करते हैं, कांग्रेस के प्रधान मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, अब तो नहीं है, और राहुल गांधी वर्तमान में केजरीवाल के साथ हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये केवल ये अभी थोड़े दिन पहले तक केजरीवाल साहब कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस वाले केजरीवाल साहब को गाली देते थे, ये केवल एक कहावत है पुरानी कि जब बाढ़ आती है तो जितने भी जीव जंतु हैं एक पेड़ पर शरण ले लेते हैं, एक दूसरे का मन मुटाव और एक दूसरे का दुर्व्यवहार भुला के, लेकिन जैसे ही बाढ़ ख़त्म होती है फिर एक दूसरे पर गुर्राते हैं। वही स्थिति हमारे जो विपक्षी साथियों के हैं, मोदी जी के डर से सब इकट्ठे हो रहे हैं, इनका ध्येय क्या है? मोदी हराओ। मोदी जी का ध्येय क्या है? कि देश बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरे टर्म में विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, किसान सम्मान निधि दी गई, आयुष्मान कार्ड बनवाए गए, प्रधानमंत्री आवास बनवाए गए, ग्रामीण महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए, फ्री सिलेंडर दिए जा रहे हैं, अनेकों अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए समाज के दबे पिछड़े दलित गरीब लोगों के लिए चलाए हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट करती हैं कि मोदी जी देश की सेवा के लिए प्रधानमंत्री पद पे आना चाहते हैं और ये सब लोग सत्ता हथियाने के लिए आना चाहते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के ईडी के सीबीआई के बहुत सारे मुकदमे हैं, उन सब से बचने के लिए ये सरकार में आने चाहते हैं। इनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उससे मुक्ति पाने के लिए कि सरकार अगर बन जाए तो किसी तरह से मैनेज करके उन मुकदमों से छुट जाए, इसलिए ये सब जो इकट्ठा हुए हैं। वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और कम्युनिस्ट नेता हैं, ममता जी को गालियां देते हैं फिर गठबंधन करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रोज़ लड़ाई लड़ती है, गठबंधन में है, अनेकों अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं इनका। कि फैसला आया जिसका आपने देखा होगा राहुल गांधी को लेकर, मैं देखिए जो माननीय न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुकदमा अभी चलेगा और राहुल जी अगर माफ़ी मांग लेते तो इतना बवाल ही नहीं होता। गलती उन्होंने की, कोर्ट ने उनको सजा दी, निचली अदालत ने हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है, अगर वो माफ़ी मांग लेते तो शायद इतना बवाल ही नहीं होता। सर, मेरा ये आखिरी सवाल है, भाजपा शासित दो राज्यों में इस टाइम हिंसा चल रही है, 3 मई से मणिपुर में चल रही है और आप अभी हरियाणा का मुंह देख रहे हैं, ये सवाल आपसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा से बड़ा कुछ वो नहीं होता, तो इस पर थोड़ा सा बताएं क्या देख रहे हैं? देखिए, मणिपुर हिंसा हो चाहे हरियाणा में हिंसा हो चाहे राजस्थान में हमारी बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ दुराचार हो, छत्तीसगढ़ में बहनों माताओं के साथ गैंग रेप हो, बिहार की स्थिति देख लीजिए, बंगाल की स्थिति देख लीजिए, सब दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष केवल मणिपुर पे चर्चा चाहता है, बाकी पे नहीं, जबकि राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ की स्थिति वहाँ से बेहतर नहीं है। जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, एक घटना हुई लेकिन वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और अब वहाँ धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही है, लेकिन राजस्थान में तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, जला दिया जा रहा है, 3.5 साल तक गैंग रेप होता रहा, FIR नहीं हुई, यही स्थिति छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में तो इतनी भयावह स्थिति है कि केस रिपोर्ट नहीं होते, जो रिपोर्ट होते हैं उसमें ममता जी इतनी कम धाराएं लगवा देती हैं प्रेशर में कि किसी को न्याय नहीं मिल पाता, वहाँ की चर्चा क्यों नहीं करते?
मणिपुर भी जो देन है ये कांग्रेस की देन है। 1947 में मणिपुर में क्रिश्चियन जो थे माइनॉरिटी में थे, आज वो मेजॉरिटी में आ गए। कैसे किसी ने सोचा? वहाँ सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार का एक सामाजिक जो ताना बाना जो वहाँ का था उसको ध्वस्त किया गया और उसका नतीजा है आज यहाँ पे हिंसा हो रही है। हमारी सरकार बहुत सख्ती के साथ वहाँ पे कार्रवाई कर रही है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में मणिपुर में दोबारा से शांतिपूर्ण बहाल होगी और विकास की राह पे मणिपुर चलेगा। सर, आपका एक बड़ा मुद्दा था गाजियाबाद का मुद्दा। मैं पिछले 2 साल पहले इस चीज़ को लेकर एक सवाल किया हुआ था, कहाँ तक रुका है? ये मेरे एजेंडे में है, कुछ समय लगता है लेकिन ये होगा जरूर। मुझे पूर्ण आशा है कि ये जरूर होगा। आप हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी को देख रहे थे, जिन्होंने मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, राहुल गांधी जैसे अनेक तमाम मुद्दों पे बहुत विस्तृत जानकारी दिया। दिल्ली से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।